The Tourism Authority of Thailand in India revealed that tourism sector could get more than 100 billion Thai baht in revenue if the pandemic restrictions were eased by the end of 2021. Hey there, welcome to my YouTube channel, Warning Men Abroad. This is your host Aseem Bhardwaj and you're watching the video, Is Thailand Opening in 2021? लेकिन बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे कंप्लीट किए हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट फॉर दैट. एंड ऑल्सो YouTube ने मेरा कम्युनिटी फीचर जो है इनेबल किया है YouTube चैनल पे, तो आपके साथ मैं काफ़ी सारे अपडेट्स वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ. तो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द टाइमिंग नोटिफिकेशन. चलिए अपडेट स्टार्ट करते हैं. सेंटर फॉर कोविड 19 सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेशन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज CCSA, ने अप्रूवल दिया है कि इंडियन बिजनेसमैन और एग्जीक्यूटिव जो हैं इस वक्त ट्रैवल कर सकते हैं थाईलैंड, प्रोवाइडेड अगर उनके पास वर्क परमिट है, वो वहाँ रहते हैं, उनकी फैमिलीज वहाँ रहती हैं, उनका बिजनेस वहाँ पे है, देन दे कैन एंटर थाईलैंड. प्रोवाइडेड कि उन्हें मैंडेटरी 14 दिन का क्वारंटीन वहाँ पे करना पड़ेगा. और ये जो प्रोग्राम है ऑलरेडी 25 अगस्त से चल रहा है. और इसके अलावा टूरिज्म अथॉरिटी ने ये कहा है थाईलैंड की कि टूरिस्ट के लिए भी बहुत जल्दी थाईलैंड को खोला जाएगा. अब वो कब होगा, दैट वुड बी बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर. अभी टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड इज करंटली ऑब्जर्विंग द सिचुएशन इन इंडिया बिकॉज द रिवील्ड दैट द पैंडेमिक सिचुएशन इन इंडिया इज ईजिंग विद लोअर इन्फेक्शन रेट्स. तो इन्फेक्शन रेट्स कम हो गए हैं. जो वैक्सीनेशन है वो 600 मिलियन डोजेज जो हैं डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं अक्रॉस इंडिया. अब उन्होंने रिसेंटली टूरिज्म अथॉरिटी ने एक सर्वे रन किया जिसमें वो सर्वे जो है 300 लोगों को इंडियंस को इशू किया गया. और उससे ये पता लगता है कि 94% जो इंडियन टूरिस्ट है दे वांट टू विजिट थाईलैंड. व्हाई, टू रीजंस. पहली चीज़ तो ये है कि फ्लाइट ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी कम है और फ्लाइट्स भी सस्ती हैं. एंड ऑल्सो अगर देखा जाए तो वीज़ा पे भी वेवर लगाया जाता है कभी ना कभी. वैसे तो आप प्राइस देते हैं चाहे आप इंडिया से बुक वीज़ा लें या आप वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पे लें, लेकिन काफ़ी सिचुएशन में वीज़ा को जो है कई बार वेव ऑफ भी किया जाता है. उसके अलावा अच्छी खबर ये है कि अगर अक्टूबर नवंबर में थाईलैंड को खोला जाता है देन टूरिस्ट आर नॉट सपोज टू क्वारंटीन, ठीक है. और अगर कमर्शियल फ्लाइट्स को शुरू किया जाता तो थाईलैंड की इकॉनमी को बहुत ही अच्छा बूस्ट मिल सकता है इन बिलियंस. अभी अगर इंडिया के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट्स का बैन जारी रहा इसी तरीके से, तो थाईलैंड की अथॉरिटी ने ये कहा है, टूरिज्म अथॉरिटी ने ये कहा है कि दे विल एक्चुअली स्टार्ट वीकली चार्टर फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है. तो ये एक अपडेट था जो कि मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता था. सो आई थिंक द टाइम इज़ नॉट दैट फार अवे व्हेन थाईलैंड वुड बी ओपन टू ऑल ऑफ अस. ऑलरेडी थाईलैंड का फुके सैंडबॉक्स प्रोग्राम जो है मॉडल जो है चल रहा है, और उसको सामने रखते हुए इंडियन टूरिस्ट के लिए भी बहुत जल्दी थाईलैंड को खोला जाएगा, तो आप थाईलैंड ट्रैवल कर पाएंगे. तो अगर आप फुके सैंडबॉक्स का पूरा मॉडल समझना चाहते हैं कि क्या क्राइटेरिया हैं, क्या गाइडलाइंस हैं उसके लिए, देन उसके ऊपर सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं. अब उसके क्या क्राइटेरिया होंगे कि वो उसके लिए आपको वैक्सीनेशन चाहिए नहीं चाहिए, वैक्सीनेटेड है तो क्या क्राइटेरिया आपके लिए, नॉन वैक्सीनेटेड है तो क्या है, ये चीज़ें हमें बाद में पता लगेंगी डाउन द लाइन जैसे जैसे दे अप्रूव ट्रैवल ऑफ इंडियंस टू थाईलैंड. तो उस हिसाब से जो भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी वो मैं आपके साथ अपने चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगा. मोर वीडियोज़ टू कम ऑन थाईलैंड, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार कर लीजिए. एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए आज इस वीडियो में. सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो पुश द बेल नोटिफिकेशन, आपको ऐसे टाइमली अपडेट्स मेरे चैनल के थ्रू मिलते रहे. तो ये अपडेट आपको कैसा लगा, क्या राय है आपकी इस बारे में, यू कैन लीव योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो विच यू आर वॉचिंग राइट नाउ. तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए अपडेट के साथ. अंटिल देन गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.